मैं दिल्ली हूँ। मैं देख रही थी कि मीर हसन ने किस तरह राणा जी को बताया कि रात को युद्ध ना करना हमारी नीति, मगर ये नीति हमारे शत्रु की नहीं। उधर कुतुबुद्दीन ने देखा कि किस तरह हिंदुस्तानी फौजें जाग कर रात काट रही हैं। उसने गौरी को बताया कि हिंदुस्तानी हमारे हमले से गाफिल नहीं है। और फिर मोहम्मद गौरी ने हमला किया, मगर इसका जवाब मीर हसन ने बड़ी बहादुरी से दिया। मीर हसन और कुतुबुद्दीन का मुकाबला हो रहा था, तभी मोहम्मद गौरी वहां आ गया और उसने मीर हसन के जिस्म पर इतने वार किए कि वो नीम मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गए, मगर लाशों के समुद्र में मीर हसन का कहीं पता न था। तब उन्होंने देखा मोहम्मद गौरी को अपनी फौज के साथ आते हुए, और अब दोनों आमने सामने थे। दोनों ही एक दूसरे के लिए चुनौती थे, और मैं ये सोच रही थी कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। ना तो हम लाहौर के मलिक खुसरो हैं और ना ही सिंध के ताहिर, हम इंद्रप्रस्थ के पृथ्वीराज चौहान हैं। और अगर तुमने हमारे मित्र सामंत मीर हसन का वध किया है तो मां भवानी की सौगंध, आज तुम देखोगे कि पृथ्वीराज चौहान तुम्हें किस तरह धूल चटाता है। देखोगे आज तुम। यलगार हमला हो। आक्रमण। Yeah!
कहां हो कायरो? हिम्मत है तो सामना करो। हमें इन लोगों का पीछा करना चाहिए महाराज। एक बार आपने कुतुबुद्दीन को क्षमादान दिया था, यह उसी का परिणाम है। किन लोगों ने यहाँ आकर हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया? सुल्तान मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन को समाप्त करने का यह अच्छा अवसर है महाराज। नहीं चंदवरदाई, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते महाराज? चंदवरदाई, क्या तुम हमारे देश की परंपरा भूल गए? राजपूत धर्म और हमारी नीतियों के अनुसार भागते हुए शत्रु पर पीछे से वार नहीं करना चाहिए। ये कायरता होती है। हमने मोहम्मद गौरी को उसके अपराध का दंड दे दिया है। अब वो दोबारा हमारी सीमाओं की ओर देखने का साहस भी नहीं करेगा। जय भवानी, जय भवानी। मगर महाराज, ये लोग दया के योग्य नहीं हैं। ये हमारी आज्ञा है कि शत्रु का पीछा नहीं किया जाएगा। जो आ गया महाराज। सबसे पहले हमें सामंत मीर हसन को ढूंढना है। जी महाराज। आइए हमारे साथ। मीरासन, मीरासन अभी तक जीवित है, फौरन जाकर महाराज को सूचित करो। मीरासन, मीरासन, महाराज सामंत मीर हसन मिल गए। कहां है वो? आइए महाराज। महाराज मीरासन, तुम तो घायल हो। महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सका महाराज। नहीं मीरासन, नहीं नहीं, दुश्मन की पराजय हुई है। वो लोग पीठ दिखाकर भाग गए हैं मीरासन। भाग गए? मगर आपने उन कमीनों का पीछा करके उनका कत्ल क्यों नहीं कर दिया महाराज? यह हम नहीं कर सके मीरासन, क्योंकि हारे हुए शत्रु पर वार करना हमारी परंपरा नहीं है। भूल जाइए महाराज, भूल जाइए अपनी परंपराओं को। महाराज मीरासन, इंसान को वक्त और हालात के मुताबिक अपनी नीतियों को, अपने उसूलों को बदल देना चाहिए महाराज। आपके ये दुश्मन इस काबिल नहीं है महाराज के इन्हें छोड़ दिया जाए। ये जहर है, ये सांप है महाराज, फिर आपको अगर डसेंगे। महाराज अगर आपने अपनी नीतियों को, अपने उसूलों को नहीं बदला तो एक ना एक दिन आपको जरूर पछताना पड़ेगा। इस समय हमें शत्रु की चिंता नहीं है, हमें तुम्हारी चिंता है मीरासन, तुम्हारी चिंता है। महाराज इस जिस्म में चंद सांसें सिर्फ आपको देखने के लिए रुकी हुई थी। नहीं मीरासन, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। महाराज मेरे पास वक्त बहुत कम है महाराज, मैं आते हुए चित्रा से नहीं मिल पाया था महाराज। महाराज मैं तो जा रहा हूं, चित्रा आपके हवाले है महाराज। मीरासन हमने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। चंदवरदाई, मीरासन को जल्दी से वैद्यराज के पास ले जाए। नहीं, नहीं महाराज नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज। मेरी एक दरखास्त सुन लीजिए। कहो मीरासन, कहो। महाराज
महाराज चित्रा से कहिएगा कि उसने मुझे आपके बारे में जो कुछ भी बताया वो अर्फ बर्फ सच था महाराज। और उसे उसे ये भी कहिएगा किसने आपको मेरे बारे में जो कुछ बताया मैंने मैंने अपने आप को उस कसौटी पर खड़ा उतारने की पूरी पूरी कोशिश की महाराज। मेरे सर महाराज मैं तो चित्रा के साथ तमाम तमाम जिंदगी गुजारना चाहता था मगर शायद शायद अल्लाह ताला को यह मंजूर नहीं था। महाराज महाराज हाँ मेरे सर चित्रा चित्रा आपके पास मेरी अमानत है महाराज। महाराज चित्रा मेरी अमानत है मेरा मेरा सलाम 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 कबू मीरसन हमारे मित्र तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते मीरसन मीरसन तुम इस संसार को छोड़कर जा सकते हो लेकिन हमारे हृदय से नहीं जा सकते हमारे हृदय से नहीं जा सकते। महारानी जी महारानी जी महारानी जी महारानी जी क्या है? बधाई हो समाचार मिला है महाराज पृथ्वीराज चौहान युद्ध क्षेत्र में विजयी हुए हैं और यहीं आ रहे हैं। ये तो तूने बड़ा ही शुभ समाचार सुनाया। महाराज पृथ्वीराज चौहान आ रहे हैं तो उनके साथ वो भी आ रहे होंगे। चंदुवरदाई हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ये समाचार हम देवी चित्ररेखा तक पहुंचाएं तो पहुंचाएं कैसे? महाराज चित्ररेखा का प्रणाम स्वीकार करें। महाराज महाराज इस विजय प्राप्ति पर मैं आपको हृदय से बधाई देती हूँ। इंद्रप्रस्थ की माटी को आप पर गर्व है। धन्यवाद देवी आपने सच कहा हम विजय प्राप्त करके ही युद्ध क्षेत्र से लौटे हैं। हम मोहम्मद गौरी के धूल में मिलते हुए स्वाभिमान को उसकी पराजय के रूप में देखकर आ रहे हैं। कुतुबुद्दीन और गजनी के सुल्तान समेत उसकी सारी फौज को मैदान जंग से कायरों की तरह पीठ दिखाकर भागते हुए देखकर आ रहे हैं। हम युद्ध क्षेत्र से हर वो वस्तु लाए हैं जिसकी हर वीर कामना करता है लेकिन एक वस्तु जो हमें सबसे अधिक प्रिय थी उसे युद्ध क्षेत्र में छोड़ा है। महाराज विजय श्री प्राप्त करने के बाद ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी कामना एक वीर कर सकता है? देवी जिसे हम अपने साथ नहीं ला सके वो हमारे लिए विजय से भी अधिक महत्वपूर्ण है और उसके लिए हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। महाराज मुझे तो ये पहली बार पता चला कि किसी योद्धा के लिए विजय से बढ़कर भी कोई चीज होती है लेकिन महाराज मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि आपने जो दायित्व मीर हसन के कंधों पर डाला था उस दायित्व का निर्वाह उन्होंने पूरी तरह किया कि नहीं। देवी जिस तरह मित्र मीर हसन ने उस उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है
उसकी मिसाल तो इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। बस महाराज, मुझे इसी बात की चिंता थी, क्योंकि मीर हसन की वजह से ही आपके चार जाबाज साथियों को इस दरबार से निकाला गया था। यदि मीर हसन अपनी दोस्ती, वफादारी और नमक की कसौटी पर खरे न उतरे होते तो विश्वास का सर नीचा हो जाता, दोस्ती का सर झुक जाता और फिर कभी कभी कोई भी पृथ्वीराज चौहान किसी मीर हसन पर विश्वास नहीं करता। महाराज, उन्होंने अपनी वफादारी का सबूत देकर मुझे इतनी खुशी दी है जो मोहम्मद गौरी की कैद से आजाद होने पर भी नहीं मिली थी। महाराज, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने रिसाले के साथ पीछे आ रहे हों? नहीं देवी, मीर हसन किसी भी क्षेत्र में पीछे रहने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। उन्होंने जो वीरता का प्रदर्शन किया वो तो हम सबसे बहुत आगे निकल गए हैं। वहां तक पहुंचना तो हम लोगों के लिए संभव ही नहीं है। महाराज, तो क्या आपने उन्हें किसी और मुहिम पर भेज दिया? देवी, भेजा तो हमने उन्हें उसी मुहिम पर था जहां से इंसान वापस लौट कर आ जाता है, मगर वो वीर तो ऐसी जगह पहुंच गए जहां से इंसान कभी वापस लौट कर नहीं आ सकता, कभी वापस लौट कर नहीं आ सकता। क्या? हाँ देवी, हम आपसे कह रहे थे कि हम युद्ध क्षेत्र से सब कुछ वापस लाए हैं, मगर मीर हसन को गवा कर आ गए। नहीं देवी, देवी चित्रलेखा, नहीं, संभालिए अपने आप को, बैठिए। देवी संभालिए अपने आप को, जिस वीरगति को मीर हसन ने प्राप्त किया है उस सम्मान के लिए तो हर योद्धा तरसता है। हाँ, हमारे साथ साथ हमारा देश, हमारी आने वाली पीढ़ियां सब की सब मीर हसन की शहादत पर सदा गर्व करेंगी। देवी धीरज रखिए, धीरज रखिए। शहजादे मीर हसन मोहम्मद गौरी के आने की सूचना जब आपको मिली थी और वो सूचना आप देने इंद्रप्रस्थ गए थे तो हमें क्या पता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। आप जाते जाते भी जो कारों मुझे दे गए उस पर जितना भी नाश करूं कम है, लेकिन एक सवाल पूछना है आपसे। यदि इस तरह रूठ कर जाना ही था तो इतना बता के जाती कि मेरा दोष क्या है। आपने तो ये फासले, ये दूरियां इतनी लंबी कर दी कि आपकी चित्र रेखा के कमजोर कदम आप तक नहीं पहुंच सकते। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगी मैं कल भी आपकी थी, आज भी
की हूँ। उनकी वीरता का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन उनकी वीरता की गवाही तो हजारों तुर्कों के कटे हुए सर दे रहे हैं। उनकी वीरता की गवाही युद्ध क्षेत्र का एक एक कण दे रहा है देवी। और उनकी वीरता का प्रमाण यह तलवार है। यह तलवार और इस पर लगा हुआ लहू बता रहा है कि वीरता किसे कहते हैं, नमक का हक किस तरह अदा किया जाता है और वचन किस तरह निभाया जाता है। देवी, बस यही भेंट ला पाए हैं हम आपके लिए युद्ध क्षेत्र से, इसे स्वीकार करें। देवी, अंतिम सांस लेने के पहले उन्होंने आपके नाम एक संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि आपने हमारे बारे में जो भी उनसे कहा वो हर्फ बहर्फ सही निकला, और आपने उनके बारे में हमसे जो कुछ कहा वो भी उस कसौटी पर पूरे उतरे। उन्होंने कहा कि वो आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे, मगर शायद अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। देवी, उन्होंने आपको सलाम कहा और यह भी कहा कि आप उनकी अमानत हैं हमारे पास। देवी, हम जानते हैं कि अगर हम संसार के सारे ऐश्वर्य को लाकर आपके चरणों में डाल दें तब भी हम मीर हसन की कमी नहीं पूरी कर पाएंगे, मगर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इंद्रप्रस्थ में आपका सम्मान राजपूतों की बेटी की तरह होगा। विश्वास दिलाते हैं हम आपको। देवी, 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 हे भगवान, साहब घबराइए मत, अल्लाह ताला का शुक्र है दवा का असर कामयाब रहा। सुल्तान अब खतरे से बाहर हैं और थोड़ी ही देर में होश भी आ जाएगा, लेकिन सुल्तान को इस वक्त आराम की बेहद जरूरत है। इस वक्त हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए, और अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम फिर हाजिर हो जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हम कहां हैं आका? कहां हैं हम? आका, सेहतयाबी मुबारक हो। कुतुबुद्दीन, क्या हम जंग जीत गए? क्या तबरे हिंद पर हमारा कब्जा हो गया? आका, अभी आपको आराम की जरूरत है। नहीं कुतुबुद्दीन, तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। हम कहां हैं? कहीं हम पृथ्वीराज चौहान की कैद में तो नहीं? नहीं मेरे आका, नहीं। फिलहाल हम दरिया रावी के किनारे अपने खेमे में। क्या हम वापस अपने खेमे में? कौन लेकर आया हमें यहां? कौन? आका, ये गुस्ताखी इस गुलाम ने ही की है। आप मैदान जंग में पृथ्वीराज का सामना करते हुए जख्मों से चूर अपने घोड़े से गिरने ही वाले थे कि मैंने बढ़कर आपको अपने हाथों में थाम लिया और सीधे इस पड़ाव पर आकर ही दम लिया। कुतुबुद्दीन, तुमने अपना फर्ज पूरा किया। हमारी फौज में तुम्हारे अलावा और भी तो अफसर हैं। उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? आका, मेरी इल्तिजा है आपसे। वक्त की नजाकत को देखते हुए उन तमाम अफसरों की गुस्ताखियों को नजरअंदाज कर दीजिए। उन्हें भी हमारे पीछे पीछे वापस आना पड़ा। कुतुबुद्दीन, इसका मतलब कि हम भगोड़ों की तरह मैदान जंग से पीठ दिखाकर वापस आ गए। दूसरे मायने में हम शिकस्त खा गए। कुछ हद तक तो ये बात सही है मेरे आका। नहीं आका, आका नहीं कुतुबुद्दीन, ये बात 100% सही है। पृथ्वीराज ने हमें शिकस्त फाश दी है और हम बुजदिलों की तरह मैदान जंग छोड़कर भाग गए। हमने फतेह का दावा करके तबरे हिंद पर चढ़ाई की थी, मगर अपने 30,000 जान निसारों के साथ हमारे अनेक बहादुर अफसरों के होते हुए हमें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। कुतुबुद्दीन, कसम खुदा की, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। उन अफसरों को हमारे सामने पेश किया जाए और उनकी गर्दन में घोड़ों का रातब लटका दिया जाए। मेरे आका, इस गुलाम पर रहम कीजिए। अभी आपके जख्म भरे हैं, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है मेरे आका। नहीं कुतुबुद्दीन, आराम हराम है हमारे लिए। जिस जिल्लत को लेकर हम मैदान जंग से वापस आए हैं, उससे तो मैदान जंग की मौत अच्छी थी। अगर हम मैदान जंग में मर भी जाते और हमारे जानिसार हमारी मौत की परवाह किए बिना तबरे हिंद पर गजनी का परचम लहरा देते, तो खुदा की कसम कब्र में भी हमारी रूह को सुकून मिलता। अगर जिंदा रहकर शिकस्त का मुंह देखना पड़े तो वो हमारी मौत से भी बदतर है। कुतुबुद्दीन, बहने दो इस खून को हमारे जिस्म से, नहीं करेंगे हम इन जख्मों का इलाज, नहीं करेंगे। ऐसे पुश्तिलों का सुल्तान कहलाने की सजा हमें मिलनी चाहिए। कुतुबुद्दीन, उन अफसरों को हमारे सामने हाजिर किया जाए, हुक्म की तामील हो। जो हुक्म मेरे आका। Thank you.
तारीख गवाह है। सुल्तान शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी के कदम जब भी आगे बढ़े हैं, दुश्मन उसके नाम की दहशत से मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ है। और फतेह के बाद हमने अपने जान इशारों के मुंह इनाम और इकराम से भर दिए हैं। आज पहला मौका है जब तुम सबके सही सलामत रहते हुए हमने शिकस्त की जिल्लत उठाई है। तुमने मैदान जंग में शिकस्त का मुंह देखने से पहले अपनी जान क्यों नहीं दे दी? क्या जिल्लत भरी जिंदगी इतनी अजीज है? जी चाहता है तुम सबकी गर्दनें काटकर चील कौओं के हवाले कर दें, मगर फिर भी हमने रहम खाया है तुम पर। तुम्हारी गर्दनों में घोड़ों की लीप नहीं बांधी, बल्कि घोड़ों का रातब बांधा है, ताकि खाओ इसे ताकि घोड़ों की तरफ वफादार बन सको। तबरेज खान, बहुत फख्र था हमें तुम्हारी बहादुरी और जान निसारी पर। यह सिला दिया है तुमने हमें, बहुत मलाल होगा तुम्हें इस शिकस्त का। तुम कई दिनों से भूखे हो ना, खाओ इसे। तुम्हारा सुल्तान अपने जान निसारों को भूखा नहीं देख सकता, और अगर नहीं खा सकते ना तो हट जाओ इस दुनिया से। बुजदिलों की यहां कोई जरूरत नहीं है। सुल्तान, तुम भूखे ही नहीं प्यासे भी हो सुबेदार खान। दुश्मन का लहू तो पी नहीं सके, अपने साथी का लहू पियो अपने साथी का लहू। नहीं सुल्तान, हम किसी भी बुजदिल को माफ नहीं करेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आका, मेरे आका, किसी को माफ नहीं किया जाएगा कुतुबुद्दीन। इन सब की सजा मौत है।